नमस्कार, ओम शांति। पीस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रेया। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले देखिए अहम खबरों की हेडलाइंस। मुख्यालय में चल रहे राजनीतिज्ञ सेवा प्रभाग के राष्ट्रीय सम्मेलन का समापन। राजयोग से होगा दया एवं करुणा का भाव जागृत। दिल्ली और NCR के प्रशासनिक अधिकारियों के लिए प्रशासक प्रभाग द्वारा विशेष अभियान। 10 दिनों में 85 से भी अधिक ऑर्गेनाइजेशन में वर्कशॉप। मध्य प्रदेश के जबलपुर में रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के अधिकारियों को ब्रह्मकुमारी बहनों ने दिए सेल्फ मैनेजमेंट के टिप्स। और UK के लेस्टर में स्पिरिचुअल प्रोग्राम। शिव सरगम एंटरटेनमेंट्स ने दी शानदार प्रस्तुतियां। ब्रह्मा कुमारी संस्था के मुख्यालय में चल रहे राजनीतिज्ञ सेवा प्रभाग के राष्ट्रीय सम्मेलन का समापन हो गया। दया एवं करुणा के लिए आध्यात्मिक सशक्तिकरण थीम पर आयोजित इस सम्मेलन में भारत तथा नेपाल से राजनीतिज्ञ पार्टियों के सांसद, विधायक और पदाधिकारी भाग लेने पहुंचे थे। सम्मेलन के स्वागत अवसर पर सांसद संध्या राय, विधायक बलराज कुंडू, पूर्व सांसद CH विजय शंकर और सम्मेलन का उद्घाटन संस्था की मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी जी, विधायक प्रणव कुमार, पुरुषोत्तम लाल, प्रदीप जायसवाल, नेपाल से आए सांसद अमर शर्मा, देवराज भारती की गरिमामयी उपस्थिति में संपन्न हुआ। हर एक व्यक्ति के चेहरे पे मुस्कान है, हर एक व्यक्ति के दिल में सेवा का भाव है। यही तो दुनिया है। इसी को दिखाने के लिए तो हम, इसी को बढ़ाने के लिए ये मेरे भारतीय संस्कृति और अध्यात्म का देन है। इसके अलावा सम्मेलन में संस्था के अतिरिक्त महासचिव और प्रभाग के चेयरपर्सन BK ब्रजमोहन भाई जी, प्रभाग की राष्ट्रीय संयोजिका BK लक्ष्मी दीदी, मुख्यालय संयोजिका BK उषा दीदी समेत संस्था के अन्य वरिष्ठ लोगों ने सम्मेलन का उद्देश्य बताते हुए कहा कि राजनेता के हाथ में देश का भाग्य होता है, और अगर राजनेताओं में किसी भी तरह से दया एवं करुणा का भाव जागृत हो जाए तो देश की दशा और दिशा बदल सकती है। इसके अलावा सभी को राजयोग मेडिटेशन की जानकारी देते हुए कहा कि इसके अभ्यास से व्यक्ति के दिल में स्वतः ही दया, करुणा और विश्व कल्याण की भावना जागृत हो जाती है। शरीर और शरीर से संबंधित जो कुछ हम साधन उपार्जित करते हैं उसका हमें अहंकार हो जाता है। किसी को कोई भी पद मिल जाए, पोजीशन मिल जाए, धन मिल जाए, संपत्ति मिल जाए, है तो वो इस्तेमाल के लिए, लेकिन हमें उसका अभिमान आ जाता है। अभिमान पाप का मूल होता है, और जिसके अंदर अभिमान है वो दूसरे का निरादर अवश्य करता है। प्रकाश जलाओ तो अंधेरा अपने आप दूर हो जाता है। ठीक इसी तरह जीवन के अंदर ये कमजोरियां क्यों है? कोई ना कोई शक्ति का अभाव है, इसीलिए ये कमजोरी है। ईश्वर के पास जब जाते हैं तो हमेशा यही कहते हैं, हे प्रभु हमें शक्ति देना, इतनी दया हम पर करना, हे करुणा निधान हमारे ऊपर करुणा बरसाना। तो ईश्वर की दया और करुणा तो यही थी कि स्रोत तक आपको पहुंचाना, और पहुंचा दिया। अब ये अंधेरा निकालना है, ये कमजोरियों को निकालना है, लेकिन उसके लिए शक्ति का आवाहन करना है। ब्रह्मा कुमारी इसके दिल्ली जोन द्वारा दिल्ली और NCR के IAS, IPS, IRS और IFS अधिकारियों के लिए विशेष अभियान चलाया गया। संस्था के प्रशासक प्रभाग द्वारा दया एवं करुणा के लिए आध्यात्मिक सशक्तिकरण थीम पर आयोजित इस अभियान का आगाज दिल्ली के IITM कॉलेज से हुआ था। 10 दिनों के बाद इस अभियान के तहत 85 ऑर्गेनाइजेशन में वर्कशॉप्स का आयोजन हो चुका है, जिसमें ब्रह्मा कुमारी दिल्ली जोन के सीनियर फैकल्टी मेंबर्स अधिकारियों को प्रशासन व्यवस्था को बेहतर बनाने और तनाव मुक्त रहने के लिए
रोजाना कुछ समय के लिए स्पिरिचुअल स्टडीज और राजयोग मेडिटेशन करने का सुझाव दे रहे हैं। इस अभियान का समापन 1 अक्टूबर को गुरुग्राम स्थित ओम शांति रिट्रीट सेंटर पर होगा। मध्य प्रदेश के जबलपुर में रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स अधिकारियों के लिए रमा कुमारी द्वारा सेल्फ मैनेजमेंट विषय पर कार्यशाला आयोजित की गई। पश्चिम मध्य रेलवे के सतपुड़ा क्लब में यह कार्यशाला ब्रह्मा कुमारी के कटंगा कॉलोनी सेवा केंद्र द्वारा आयोजित रही, जिसमें राजयोग शिक्षिका बीके विनीता ने कई महत्वपूर्ण बातें बताई। किसी भी काम को करने के लिए भी, पूरा करने के लिए भी तनाव में आने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन आवश्यकता है उस काम को निश्चित समय सीमा पर खत्म करना है इस बात की, क्योंकि यदि हम सोचे कि हमें बिल्कुल तनाव में नहीं रहना है ना, होगा होगा तो काम, नहीं होगा तो नहीं होगा ना, ये भी नहीं, लेकिन एक डेडलाइन हो हमारे पास में कि हम इस काम को कितने समय में पूरा करेंगे और किस विधि से करेंगे। कार्यशाला में उपस्थित डीआईजी महेश्वर सिंह ने वर्कशॉप को उपयोगी बताया, तो वहीं सब इंस्पेक्टर अनुराधा मिश्रा ने ब्रह्मा कुमारी बहनों का धन्यवाद ज्ञापित किया। संस्था के समाज सेवा प्रभाग द्वारा यूपी के गोरखपुर में इंजीनियरिंग कॉलेजेस और स्कूलों में अभियान चलाया गया, जिसमें मुंबई से आए कॉर्पोरेट ट्रेनर प्रोफेसर ईवी स्वामीनाथन ने माइंड मैनेजमेंट, मैजिक ऑफ मेडिटेशन, रियल सक्सेस जैसे कई विषयों पर प्रकाश डाला। कार्यशालाओं के दौरान उपस्थित समाज सेवा प्रभाग के सदस्यों ने प्रभाग द्वारा समाज के विभिन्न वर्गों की जा रही सेवाओं की विस्तार से जानकारी दी। आपका कनेक्शन अब सुप्रीम पावर के साथ होने लगा है। वर्कशॉप्स के दौरान कॉलेज के सीनियर फैकल्टी मेंबर्स ने बच्चों में उमंग उत्साह को देखकर बी के सदस्यों की जमकर सराहना की। अब कुछ खबरें एक नजर में। मुंबई के घाटकोपर स्थित योग भवन सेवा केंद्र पर न्यायविदों के लिए विशेष कार्यक्रम। वर्तमान परिदृश्य में न्यायविदों की भूमिका रहा चर्चा का विषय। बी के सदस्यों द्वारा न्यायिक प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए जीवन में आध्यात्मिक गुणों के समावेश पर दिया जोर। स्वयं की वास्तविक पहचान देने के साथ कराए राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास। मध्य प्रदेश के खजुराहो सेवा केंद्र पर व्यापार एवं परिवार में सामंजस्य विषय को लेकर व्यापारियों के लिए कार्यक्रम। व्यापार संगठन के अध्यक्ष नरेश सोनी, उपाध्यक्ष सुरेंद्र असाठी, कोषाध्यक्ष परविंद अग्रवाल, सचिव गौरव अग्रवाल समेत कई सदस्य रहे मौजूद। भोपाल के सीनियर राज्योग टीचर बीके किरण रही कार्यक्रम के मुख्य वक्ता। बीके किरण ने व्यापारियों को संबोधित करते हुए कहा कि केवल व्यापार को ही अपना जीवन मान लेना ये ठीक नहीं है, आप एक परिवार के जिम्मेदार सदस्य भी हैं, इसीलिए हमें अपने परिवार का ख्याल रखते हुए सभी को संतुष्ट भी करना है और यही वास्तविक सफलता है। खजुराहो सेवा केंद्र प्रभारी बीके विद्या, बिजावर सेवा केंद्र प्रभारी बीके रांची, राजयोग शिक्षिका बीके संगीता भी रही कार्यक्रम में उपस्थित। ऐसे ही यातायात प्रभाग द्वारा मेरा भारत मेरी शान थीम के तहत भी कार्यक्रम का हुआ आयोजन। छतरपुर सेवा केंद्र प्रभारी बीके शैलजा दीदी और बीके विद्या दीदी ने कहा कि भारत देश की शान बढ़ाने को अपना कर्तव्य समझे और लोगों को देश की आध्यात्मिक, धार्मिक और व्यावहारिक धरोहर से अवगत कराए। इंदौर के ओम शांति भवन से समाज सेवा प्रभाग की 5 दिवसीय अभियान यात्रा का आगाज। आध्यात्मिकता द्वारा मूल्यनिष्ठ समाज की स्थापना थीम पर आयोजित रहेगी रैली। इंदौर जोन प्रभारी बीके आरती दीदी ने अभियान का उद्देश्य बताते हुए अभियान यात्रियों को किया प्रेरित। भारतीय विकास परिषद की प्रांतीय अध्यक्ष मनीषा बिसानी, चाइल्ड वेलफेयर की चेयरमैन पल्लवी पोरवाल, अखिल भारतीय श्वेतांबर जैन समाज की रेखा जैन और डॉक्टर साधना सोडानी रही कार्यक्रम के मुख्य अतिथि। उड़ीसा में बिसरा तहसील के बिसरा गर्ल्स हाई स्कूल और तुलसी कहानी हाई स्कूल में ब्रह्मा कुमारी बिसरा सेवा केंद्र द्वारा जागरूकता कार्यक्रम। बीके राजीव ने स्कूली बच्चों को नशीले पदार्थों के सेवन और मोबाइल के नकारात्मक उपयोग के प्रति किया सचेत।
प्रकृति के संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाते हुए बच्चों को वृक्षारोपण के लिए भी किया प्रेरित। ऐसे ही संबलपुर के गुरु नानक पब्लिक स्कूल में मेरा ओडिशा व्यसन मुक्त ओडिशा के तहत कार्यक्रम। बीके राजीव ने प्रोजेक्टर के माध्यम से नशा एवं मोबाइल की आदतों से मुक्ति पाने का संदेश देते हुए राजयोग मेडिटेशन की विस्तार से दी जानकारी। कमेंट्री द्वारा राजयोग मेडिटेशन का भी कराया अभ्यास। डॉक्टर जयदेव मेहर स्कूल के प्राचार्य रविन्द्रनाथ दास भी कार्यक्रम में रहे उपस्थित। मध्य प्रदेश के मंडला में आत्मनिर्भर किसान अभियान के तहत निवास क्षेत्र के कई गांवों में जागरूकता कार्यक्रम। मंडला सेवा केंद्र प्रभारी बीके ममता, निवास सेवा केंद्र प्रभारी बीके लक्ष्मी, बीके ओम लता और बीके शिव कुमारी ने ग्रामीणों को जैविक और यौगिक खेती की जानकारी देते हुए इसे अपनाने के लिए किया प्रेरित। यौगिक खेती का प्रशिक्षण लेने के लिए लोगों को बीके बहनों ने सेवा केंद्र पर आने के लिए किया आमंत्रित। खेती के अलावा व्यसनों के दुष्प्रभाव बताते हुए गाँव वासियों से व्यसन मुक्त बनने का किया आग्रह। यूपी में गाजीपुर के जवाहर नवोदय विद्यालय, रामप्रसाद कुशवाहा इंटर कॉलेज, शशि मेमोरियल बालिका इंटर कॉलेज में नैतिक और आध्यात्मिक शिक्षा का जीवन में महत्व विषय पर कार्यशाला। माउंट आबू के वरिष्ठ राजयोग शिक्षक बीके भगवान ने कई उदाहरण और प्रेरणादायक कहानियों से समझाया जीवन में नैतिक और आध्यात्मिक शिक्षा का महत्व। और सबसे अच्छा गुण है सहन शक्ति का गुण, जो आपके अंदर कमी है सहन शक्ति को भर। गाजीपुर सेवा केंद्र प्रभारी बीके निर्मला, राजयोग शिक्षिका बीके स्मिता, बीके संध्या, बीके मीरा भी कार्यशाला के दौरान रही उपस्थित। ऐसे पन्ना सेवा केंद्र द्वारा गांव बराच में पौधारोपण और व्यसन मुक्ति कार्यक्रम। सेवा केंद्र प्रभारी बीके सीता ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में लोगों को वृक्षारोपण के लिए किया प्रेरित। इसके पश्चात गाँव वासियों को व्यसन मुक्ति का संदेश देने के लिए चित्र प्रदर्शनी भी लगाई। बीके सीता ने लोगों को व्यसनों के दुष्प्रभावों के प्रति सचेत करते हुए इस अनमोल जीवन को बर्बाद न करने का कराया संकल्प। राजयोग मेडिटेशन की विधि से भी कराया अवगत और प्रशिक्षण लेने के लिए सेवा केंद्र पर आने के लिए किया आमंत्रित। अब खबर अंतर्राष्ट्रीय जगत की। कटक के सीनियर राजयोगा टीचर बीके कुलदीप के यूके के लेस्टर पहुँचने पर हार्मनी हाउस में एक स्पिरिचुअल प्रोग्राम और संगीत संध्या कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें बीके कुलदीप ने पूर्व जन्मों और पूर्वजों से जुड़ी कई मान्यताओं का बहुत ही सहज तरीके से आध्यात्मिक रहस्य बताया। इसके अलावा शिव सरगम एंटरटेनमेंट्स द्वारा गीतों की प्रस्तुतियों ने कार्यक्रम का माहौल और आध्यात्मिक बना दिया। चलिए देखिए उसकी झलकियाँ। हो हरे हरे शंभु शंभु शिवा महादेवा, शंभु शंभु शिवा महादेवा, ओ हर हर शंभु शंभु। जब हम देवी देवताओं की मूर्तियां, मंदिर इस सृष्टि पर देख रहे हैं, तो यादगार उसी का बनता है जो कभी होकर जाता है। तो कभी वो देवताएं थे इस भारत में जिनके 33 कोटि देवताओं का हम गायन करते हैं, तो वो कौन थे? ऊपर नहीं है स्वर्ग, देख लिया अभी तो जान गए, लेकिन इसी सृष्टि पर जैसे दिन के बाद रात, रात के बाद दिन होता है, ऐसे ही स्वर्ग के बाद नरक, नरक के बाद स्वर्ग, ये चक्कर चलता ही रहता है।